एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको हम आज की क्लास में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, विच इज रिलेटेड टू इनकम। और हमने बोला कि जब भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री की बात करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया क्या है और नेशनल इनकम ऑफ इंडिया क्या है। अब इसको समझने के लिए हमें डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री समझना होगा। मैंने आपको नेशनल इनकम की बात बताई थी, याद करते हैं, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स। तो हमने फैक्टर इनकम की बात कर ली, अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स वो हमने बात कर ली, ऑफ अ कंट्री। तो अब हमारी जो फोकस है वो है कि एक देश क्या होता है, कंट्री क्या होती है या उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट जो अभी हमें समझना है, जिसके बाद हम ये जान जाएंगे कि क्या होती है नेशनल इनकम, क्या होती है डोमेस्टिक इनकम, या क्या तरीके से किसी भी देश की इनकम को हम काउंट या कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द डोमेस्टिक टेरिटरी एज यूज्ड इन द नेशनल अकाउंटिंग हैज अ स्पेशल मीनिंग एंड इज मच बिगर देन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच द पीपल, गुड्स एंड इट्स कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली। तो बोलता है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है किसी भी देश की, वो पॉलिटिकल बाउंड्री से ज्यादा बड़ी कॉन्सेप्ट है। यानी कि एक तो होती है पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री को सबसे पहले समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी शेप में मान लो हमारा देश है, जैसा भी बनाया मैंने, तो ये तो पॉलिटिकल बाउंड्री है, दिस इज अ पॉलिटिकल बाउंड्री। अब इस पॉलिटिकल बाउंड्री को हम डोमेस्टिक टेरिटरी का नाम नहीं देते। एज फार एज द नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट इज कंसर्न्ड, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक रेजोल्यूशन है जो हर देश को मान्य है, और उसमें लिखा है कि किसी भी देश की पॉलिटिकल बाउंड्री से बड़ी एक डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, उसमें लिखा कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है वो होती है उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी, उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी। और फिर पता चला कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, इकोनॉमिक टेरिटरी वो टेरिटरी होती है, वो जगह होती है, वो बाउंड्री होती है जिसके अंदर उस देश के लोग, उस देश का सामान और उस देश का पैसा या कैपिटल या पूंजी फ्रीली फ्लो करती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ठीक, तो हमें ये समझ आया अभी तक कि नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट को सीखना है किसी भी देश के लिए, उसके लिए हमें सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस की डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री की डेफिनेशन को समझना है। और वो डेफिनेशन में ये लिखा है कि किसी भी देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, किसी भी देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है वो इक्वल होती है उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी के बराबर। और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, इकोनॉमिक टेरिटरी वो होती है जिस टेरिटरी के अंदर, जिस टेरिटरी में उस टेरिटरी की सरकार उस टेरिटरी को एडमिनिस्टर करती है, गवर्न करती है, उस क्षेत्र के ऊपर उस देश की जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल है, और उस बाउंड्री में, उस एरिया में, उस टेरिटरी में दी पीपल, गुड्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली विदाउट एनी हिंड्रेंस और रिस्ट्रिक्शन। अब इसी को आगे पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ इट्स इकोनॉमिक टेरिटरी फॉर इंक्लूडिंग इन इट दोज पार्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री हूज गवर्नमेंट डज नॉट इंजॉय दीज फ्रीडम्स आर डीम्ड टू बी आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। कहता है अगर किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर उसकी सरकार का पूरा नियंत्रण है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल है, और उस क्षेत्र में, उस एरिया में उस देश के लोग, उसका पैसा और उसके गुड्स इजीली बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी बाउंडेशन के इजीली फ्लो कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, देन दैट बाउंड्री विल बी कॉल्ड इट्स इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, लेकिन कहता है अगर इस पूरी टेरिटरी में कुछ भी पार्ट ऐसा है
जिस पार्ट पे उसकी गवर्नमेंट का कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जिसको हम एक तरह से कंट्रोल मान सकते हैं, उस देश की किसी भी पार्ट में अगर उसी देश की सरकार का कोई रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है वहां पर, उस पार्ट में उस देश के नागरिक लोग पैसा गुड्स इजीली सर्कुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, देन दैट रिस्ट्रिक्टेड एरिया विल नॉट बी इट्स इकोनॉमिक टेरिटरी, एंड बिकॉज इट इज नॉट इट्स इकोनॉमिक टेरिटरी इट मीन्स दैट इट इज नॉट इट्स डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है एम्बेसी, हालांकि आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे अभी, तो बाद में हम बात करेंगे कि एम्बेसी पे कंट्रोल किसका होता है और किसका नहीं होता. अभी हमें यह समझ आया कि किसी भी देश की इकोनॉमिक टेरिटरी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, और इकोनॉमिक टेरिटरी वो होती है जिसको उस देश की सरकार एडमिनिस्टर करती है और वहां पर उसके लोग सामान और पैसा इजीली सर्कुलेट कर सकते बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के. तो हमें समझ आया एक और चीज, तो फिर ऐसा एरिया जहां पर उसका कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का और जहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं लोगों के ऊपर, पैसे के ऊपर, सामान के ऊपर, तो वो एरिया फिर उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानी जाएगी, जिसमें हमने बोला एम्बेसी किसी भी दूसरे देश की जो होती है एक देश के अंदर प्रेजेंट, वो हमारे उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता. तो यहां लिखते हैं एम्बेसीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज दे आर नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे आर लोकेटेड. इसको समझो आप, लेट अस से दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज यूएस एम्बेसी. एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि मान लो ये जो ग्रीन एरिया है ये यूएस एम्बेसी है यहां पर. अब जो एम्बेसी होती है किसी और देश की हमारे देश में, वो एम्बेसी में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है. ठीक, यहां पर अगर किसी आपको या मुझे या किसी भी व्यक्ति को जाना है तो देर इज अ रिस्ट्रिक्शन. यहां पर जो रोल है वो यूएस गवर्नमेंट का होगा, हमारी गवर्नमेंट का नहीं होगा. एंड बिकॉज दिस पार्ट ग्रीन पार्ट यूएस एम्बेसी इज अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, देर इज नो फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल गुड्स और कैपिटल इन दिस एरिया, देयर फोर दिस एरिया इज नॉट इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड बिकॉज दिस इज नॉट इकोनॉमिक टेरिटरी इट इज ऑल्सो नॉट अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. क्लियर हो गया? तो ये एम्बेसी का हमने एग्जाम्पल समझा. अब हमें यह भी समझ आना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की कितनी है ना. हमने नेशनल इनकम की जब डेफिनेशन पढ़ी, जिसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं आपको और आप समझो उसको, तो उसमें बोला नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. तो अब हम ये समझ रहे हैं कि जो कंट्री है या डोमेस्टिक टेरिटरी है कंट्री की, वो कितनी बड़ी है. तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज नॉट जस्ट द पॉलिटिकल टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ इतनी नहीं होती है जितनी आपको दिखती है. ये अगर इंडिया का पॉलिटिकल एरिया है तो इतनी डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकती है और इसमें कुछ लेस भी हो सकता है. लेस तो अभी हमने करके देख लिया ना, ये वाला पार्ट यूएस एम्बेसी की टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, पॉलिटिकल टेरिटरी है. ठीक है, तो अब हम ये समझ रहे हैं कि कितना है इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी. तो बोलता है डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड द इकोनॉमिक टेरिटरी एंड इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग. फॉलोइंग के अंदर हमारे आ रहे हैं 5 पॉइंट. तो यहां पर हमें 5 पॉइंट याद रखने हैं और नॉर्मल रेजिडेंट में हमने 7 पॉइंट याद किए थे. तो व्हाट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया या ऑफ एनी कंट्री? इट इज फर्स्ट द टेरिटरी विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री और फ्रंटियर एंड इट इंक्लूड्स द टेरिटोरियल वॉटर्स विच इज 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम अ कंट्री. कहता है ये जो येलो बाउंड्री मैंने मार्क करी है, दिस इज द पॉलिटिकल बाउंड्री. ये तो पॉलिटिकल, ये तो बॉर्डर है. तो अगर बॉर्डर बॉर्डर एरिया के अंदर वाली बात करें, ये सभी जो एरिया है दिस इज द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड दिस इज डोमेस्टिक टेरिटरी. ये तो है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी. लेकिन इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां से लेके आउटसाइड इंडिया
नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक का पानी, टेरिटोरियल वाटर, यहां तक जो इंडिया के अंदर यहां पर बाहर तक पानी है, ये पानी भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। तो आपने सीखा कि क्या सिर्फ लैंड होती है डोमेस्टिक टेरिटरी, नहीं, लैंड प्लस वाटर्स ऑन द आउटसाइड टेरिटरी ऑफ अ कंट्री अप टू अ लिमिट ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स। अब आप पूछोगे सर नॉटिकल माइल्स क्या होती है, तो लो, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू अराउंड 1.85 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल माइल्स अराउंड 22 किलोमीटर। इसका मतलब अगर मैं यहां से इंडिया की लैंड मास से, जितना लैंड इंडिया का दिख रहा है, वहां से अगर मैं बाहर की तरफ जाऊं, कितना बाहर, 22 किलोमीटर तक, लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक, फ्रॉम ऑल फ्रंटियर्स, हर जगह से अगर मैं 22 किलोमीटर्स या लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक पानी में जाऊं, तो वहां तक की बाउंड्री भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्लियर? सो पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस 12 नॉटिकल माइल्स तक का पानी भी इंडिया का है, वो इंडिया की टेरिटरी मानी जाती है। देन ऑल दी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, पानी के जहाज या हवाई जहाज जिसको ऑपरेट कौन कर रहा है, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि इंडिया का कोई रेसिडेंट है, चाहे वो कोई कंपनी है, चाहे वो कोई इंसान है, अगर उसके द्वारा कोई शिप ऑपरेट की जा रही है, कोई एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया जा रहा है, इवन दो इट इज गोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट शिप एंड दैट एयरक्राफ्ट विल बी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या बात कर रहे हैं हम, उस शिप की, जहाज की बात कर रहे हैं या उस एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट या वो शिप अगर इंडिया के किसी रेसिडेंट के द्वारा ऑपरेटेड है, ओन्ड है, ऑपरेटेड है, तो चाहे वो शिप चाहे वो एयरक्राफ्ट दुनिया के किसी भी कोने में होगा, पर वो शिप और एयरक्राफ्ट इंडिया की टेरिटरी माना जाएगा, इंडिया की टेरिटरी माना जाएगा। तो क्या लिखा एग्जाम्पल में हमने, देयर इज एन इंडियन शिप विच मूव्स बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान रेगुलरली। एक शिप है जो इंडियन है, किसी इंडिया के द्वारा व्यक्ति से ऑपरेटेड है, वो शिप यूके और पाकिस्तान के बीच में मूव करती है, या फिर कोई पैसेंजर प्लेन है, एयर इंडिया का प्लेन है, स्पाइस जेट का प्लेन है, इंडिगो का प्लेन है, कोई भी प्लेन जो ऑपरेट कर रहा है एयर इंडिया एग्जाम्पल में, जो प्लेन रशिया जाता है, जापान जाता है, और रशिया और जापान के बीच में रहता है, फिर भी वो प्लेन, वो शिप इंडिया की टेरिटरी माना जाएगा। क्लियर हुआ? वो शिप जहां मर्जी बैठा हो, वो शिप एयरक्राफ्ट जहां मर्जी हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, किसी भी देश में हो, पर वो शिप और एयरक्राफ्ट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिशिंग वेसल, मछुआरे जो अपनी बोट लेके जाते हैं, उस बोट को हम फिशिंग वेसल बोलते हैं। कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग, नेचुरल गैस रिग क्या होती है, ऑफशोर रिग्स होती हैं जहां पर क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जाती है, जहां पर कच्चा तेल निकाला जाता है ड्रिल करके। तो कहते हैं कोई भी फिशिंग वेसल, कोई भी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग होती है, कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडिया के रेसिडेंट कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में है, चाहे वो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं किसी उस एरिया में, इन विच द कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो वो ऑयल रिग, वो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, वो वेसल इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द बोट्स हेल्ड बाय द फिशरमैन, यानी कि फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडियन ओशन आर अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहां पर एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं। इंटरनेशनल वाटर होता है टेरिटोरियल वाटर के बियॉन्ड, यानी कि अगर मैं इस 12 नॉटिकल माइल्स के आगे का पानी देखूं, तो ये इंटरनेशनल वाटर है इंडिया के लिए, इंटरनेशनल वाटर होगा। और मान लेते हैं इस इंटरनेशनल वाटर में यहां पर एक ऑयल रिग है, एक ऑयल रिग है जहां पर कच्चे तेल की एक्सट्रैक्शन हो रही है। अब ये जो ऑयल रिग है, ये है तो टेरिटोरियल वाटर के बाहर, पर इस रिग को, सिर्फ सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज दिस इज ऑपरेटेड विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और
विद इन द इंटरनेशनल वाटर बट इट इज ऑपरेटेड बाई द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ? और ऐसे ही अगर कोई फिशिंग वेसल, चाहे कोई मछुआरा अपनी नाव लेके इंटरनेशनल वाटर में चले जाए, तो वो जो नाव होगी, फिशिंग वेसल होगा, वो फिशिंग वेसल इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। नेक्स्ट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। कहता है कोई भी देश की एम्बेसी किसी और देश में अगर है, उसका कॉन्सुलेट जनरल है, उसकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किसी और देश में है, तो वो कॉन्सुलेट, वो एम्बेसी, वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अभी हम कर भी चुके हैं इसको, इंडियन एम्बेसी विच इज लोकेटेड इन यूएसए इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की एम्बेसी यूएसए में इंडिया का पार्ट मानी जाएगी, एंड यूएस की एम्बेसी इंडिया में जो है वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, क्योंकि जो एम्बेसी होती है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होती है, वहां पर उस देश का ही रोल होता है जिस देश की वो एम्बेसी या जिस देश की वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होगी, इवन दो इट इज लाइंग और सिचुएटेड इन अनदर कंट्री। ठीक है, लास्ट हमने बात पहले भी की थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO एक्सेट्रा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहे जहां भी फिजिकली लोकेटेड हो, किसी भी देश में हो उनका ऑफिस, दे विल रिमेन विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, देयर ऑफिसेज विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी। कहता है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस किसी भी देश का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बन सकता, वो इंटरनेशनल टेरिटरी ही रहेगा। तो जो हमने एग्जाम्पल पहले भी किया था वही एग्जाम्पल फिर से करते हैं, यहां पर WHO का एक ऑफिस है, तो ये जो ऑफिस का एरिया होगा WHO का जितना भी, ये एरिया इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू द इंटरनेशनल टेरिटरी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, सो अभी तक अगर मैं अभी आज के लेक्चर को सम अप करूं, विच इज इंपॉर्टेंट, तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है नेशनल इनकम की डेफिनेशन को, और वो बोलता है कि नेशनल इनकम क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ, किसका टोटल करना है, किसका जोड़ करना है, सारी फैक्टर इनकम्स का, ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। इस डेफिनेशन को जब हमने पढ़ना सीखा तो हमें पता चला कि फैक्टर इनकम ही लेनी है सिर्फ नेशनल इनकम में, जो ट्रांसफर इनकम होती है उस ट्रांसफर इनकम को हमने काउंट नहीं करना। तो हमने वो पढ़ा ना, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या है, फिर हमने सीखा नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, जिसमें हमने वो 7 पॉइंट समझे, लेकिन कंडीशंस दो थी। कंडीशंस दो क्या थी, पहली कंडीशन ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए, यानी कि एक साल या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमने कैसे समझा, कि उसकी जो नॉर्मल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इनकम, कंजम्पशन, वो सारी इंडिया में होनी चाहिए, और नॉर्मल रेजिडेंट को समझते समझते हमने वो 7 पॉइंट्स भी याद किए। फिर हम आ गए एक लास्ट पार्ट पे, कंट्री, और कंट्री से रिलेटेड हमने सीखा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, और डोमेस्टिक टेरिटरी को समझाने के लिए हमने यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन को पढ़ा, जिसने बोला कि डोमेस्टिक टेरिटरी उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी है, और इकोनॉमिक टेरिटरी वो होती है जहां पर उस देश की एडमिनिस्ट्रेशन है, उस देश की सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन है, उस देश के लोग, पैसा और सामान इजीली फ्लो कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उससे रिलेटेड हमने 5 पॉइंट्स और याद किए।